राधे कृष्ण दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, परंतु मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। अंततः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग कर दो। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए, बिना अन्न के सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीम निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और वे अंततः सभी पापों से मुक्त हो गए। आप सभी को भीमसेन निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।